अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम उमर जावेद कुरैशी है और आज हम गौहर साहब के साथ एक और सेशन में लाइव हैं, कॉफी विद गौहर के साथ। और आज की जो हमारी गेस्ट हैं उनका इंट्रोडक्शन मिस्टर गौहर अब कराएंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज गौहर शरीफ वंस अगेन लाइव फेसबुक लाइव विद कॉफी विद गौहर एंड माय गेस्ट टुनाइट इज करिश्मा, speech language pathologist. Or welcome to the show, Karishma. Thank you so much, sir. How are you? Very well. I'm very well. So, hum Karishma se everyone. जी हम करिश्मा से बात करेंगे, शुरू करेंगे, बाद में हम उनसे पूछेंगे कि ये SLP क्या होता है और लोगों को हम उस सिलसिले में आगाही भी देंगे, लोगों को अवेयर भी करेंगे कि इन लोगों की क्या सिग्निफिकेंस होती है। पहले स्टार्ट करते हैं करिश्मा से और पूछते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड मेमोरीज क्या हैं करिश्मा की। वेयर वर यू बॉर्न, एनी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, कोई बताइए, जरा शेयर कीजिए। या आई वाज बॉर्न इन वाकेंट एंड आई स्टडीड ओवर देयर। मेरी अर्ली जितनी भी एजुकेशन थी इट वाज इन वाकेंट एंड आई स्टडीड इन वाकेंट गवर्नमेंट स्कूल and it was your school and because at the time there was no I can't say any good memory that I remember till date because I have very poor memory, but yes, there were so many good memories along with me. And secondly, if I so say about my college, yes, I studied over there in my FSC and then I studied clinical psychology in University of Goa. So this was the all about that I studied over there and POF college se aapne graduation kiya aur uske baad fir aapne admission liya, kaun si university se aapne psychology ki? I studied in clinical psychology from University of Vakhent University. Okay, zabardast. Acha, तो आपका प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपीरियंस कैसा रहा? कब आपने प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखा और आपके लिए क्या चैलेंजेस थे? एक्चुअली साइकोलॉजी वाज नॉट माय चॉइस टू बी एंड देयर वाज अ सोर्स लाइक माय मॉम वाज क्वाइट सेंसिटिव पर्सन एंड वी हैड अ वेरी वेरी बैड टाइम एट द टाइम बिकॉज माय फादर डाइड इन माय अर्ली childhood and she was quite depressed person and being a single parent she has to face a lot of hardships and raising the children alone and especially bachcho ko jo hai wo warm up karna and fir unko apne jo hai wo track pe rakhna ek badi challenging cheez hoti hai single parent ke liye. So I just want to help my mom, so that's why I chose psychology and I worked on it. And उसके बाद फिर I went for post graduation in speech language pathology and I started working right after my completion this post graduation. I recently Achha. completed my MS in clinical psycho sorry in speech language pathology from University of Rifai University, Islamabad. And from last 7 years I'm working in this field. Right after the post graduation diploma I started working in speech language pathology and firstly I started as a consultant speech language pathologist in hospital settings and then I established my own clinical setup and now I'm working in Doctors Hospital Lahore. Okay, zabardast. abhi aapse poochte hain ki speech language pathologist kya karte hain, lekin jo aajkal ka COVID-19 की वजह से लोग जो परेशान हैं और जो विजिट नहीं कर सकते हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर्स को नहीं मिल सकते, तो उसके लिए आप क्या कर रही हैं? ऑनलाइन कुछ कर रही हैं या आपने अपने क्लिनिक में कोई प्रिकॉशंस ली हुई हैं, क्या कर रही हैं? ये था मतलब सब कुछ इट वाज क्लोज्ड और सडनली क्योंकि कोरोना आया और देयर वाज नो एनी कुछ कुछ इस तरह से चीज़ें नहीं थी कि आपको प्रॉपर प्रिकॉशंस कौन से लेने चाहिए, आपको किस तरफ जाना चाहिए. कभी डिफरेंट किस्म की जो है वो आपके पास स्टडीज जो है वो आ रही थी या डिफरेंट किस्म की WHO की
मतलब ऑल द टाइम उनकी जो है वो स्टेटमेंट्स नहीं जो रहती दैट यू हैव टू डू दिस एंड दैट. सो उस हिसाब से कुछ भी इतना इजी नहीं था टू टेक अ चेंज इन योर क्लिनिकल सेटअप. और क्योंकि क्लिनिकल जो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट है वो उनकी क्लिनिकल सेटिंग्स इस तरह से होती हैं दैट वी हैव वेरी क्लोज कॉन्टैक्ट विद द चिल्ड्रन विद द पेशेंट. एवरी एज पेशेंट जो है वो हमारा बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट होता है. सो उस हिसाब से अगर कहें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था बिकॉज लॉकडाउन था एंड वी वर अनेबल टू मूव एनीवेयर. ऑफ कोर्स पेशेंट जो है वो भी नहीं आ जा पा रहे थे तो उस टाइम पे तो खैर इट वाज क्लोज्ड. और फिर जब लॉकडाउन जो है वो उसको खत्म किया है तो नाउ वी हैव मेकिंग डिफरेंट चेंजेस इन द स्पीच इन स्पीच क्लिनिक. सो उसमें ये था कि अब हमने टेबल पे जैसे हमने ग्लास की एक डिस्टेंस बना लिया है. पर्टिकुलर डिस्टेंस में हम पेशेंट को जो है वो देख रहे हैं वेयरिंग मास्क. उनको भी जो है वो विदाउट सैनिटाइजिंग देयर हैंड्स एंड वॉशिंग देयर हैंड्स बिफोर एंटरिंग द क्लिनिक. तो उसके बाद फिर जो है वो हम उनको मास्क डेफिनेटली ऑफर करते हैं इफ दे आर नॉट वेयरिंग. अवल तो अलाउ ही नहीं है कि आप क्लिनिकल सेटअप में एंटर हों विदाउट वेयरिंग मास्क. बट फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नहीं इस चीज़ को इतना सीरियसली ले रहे हैं, अभी भी डिनाइल फेज में हैं. उसके बाद जो है जो आप क्लिनिक में एंटर होते हैं तो देन देयर इज अ वॉल ग्लास लाइक. सो उसमें उसके उसके एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से तकरीबन आई थिंक इट्स 3 मीटर डिस्टेंस है जिस पे हम इंटरव्यूइंग कर रहे हैं. लेकिन जो प्रॉपर एक सेशन सिस्टम है वो अब पॉसिबल नहीं है इस तरह से बिकॉज आपको जो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी है उसमें बहुत जो है वो आपको डिफरेंट किस्म की स्ट्रेटजीज. बच्चा अगर बहुत हाइपर है तो उसको आपने बिठाना है, उसकी सिटिंग अरेंजमेंट करनी है, उसको काम डाउन करना है, उसको रिलैक्स करना है, उसकी डिफरेंट अगर मूवमेंट्स हैं तो उनको आपने जो है वो कंट्रोल करना है. सो वो तो बहुत मुश्किल है. सो उसके लिए जो है वो आई एम ऑफरिंग ऑनलाइन सेशंस टू द पेरेंट्स. और उसमें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं टेलीथेरेपी प्रैक्टिस जो है वो तो ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रही है और वहीं हम ऑफर कर रहे हैं. सो ऑफ कोर्स मैं भी अपने पेशेंट्स को जो है वो टेलीथेरेपी सर्विसेज ही दे रही हूँ. लकीली मैंने आई स्टार्टेड डूइंग ऑनलाइन कोचिंग काउंसलिंग सम 3 इयर्स बैक और जितनी मेरी क्लाइंटेल है उसमें मेजॉरिटी ऑनलाइन वो मुझसे करते हैं कॉन्टैक्ट क्योंकि आई एम नेवर एट वन प्लेस और ज़्यादातर लोग जो हैं मुझे वो ऑनलाइन ही थ्रू आईमो और फेसबुक मैसेंजर या बॉटम कॉन्टैक्ट करते हैं. आई एम श्योर यू विल बी यूजिंग द सेम प्रॉब्ली. आजकल जूम आ गया है, स्ट्रीम यार्ड आ गया तो बहुत ज़्यादा उसके भी कन्वीनियंस हो गई है. या वी आर यूजिंग जूम. और उसके अलावा कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको नहीं जूम जो है वो इतना कन्वीनियंट लगता और उनको समझ में नहीं आता. कुछ ऐसी पेशेंट्स हैं लाइक बच्चों की मदर्स हैं जो तो हम उनके साथ फिर वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं लाइक व्हाट्सएप वगैरह. तो वो हम ऑनलाइन सेशंस उस तरह से कंडक्ट कर रहे हैं. कुछ ऐसे पेशेंट हैं जैसे जो स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है अगर वो फीडिंग वाली जो उनके प्रॉब्लम्स हैं जो स्वॉलो नहीं कर पाते तो उसके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं. हम उस तरह से उनको डील नहीं कर सकते बिकॉज उनकी प्रॉपर एक बेड साइड असेसमेंट के बाद फिर हम उनके प्रॉपर प्रोटोकॉल्स होते हैं जो आपने जो है वो उनको बहुत केयरफुली हैंडल करना है. तो अगर आप उसको ऑनलाइन करेंगे तो देर आर चांसेस के जो अटेंडेंट्स हैं वो उनसे कोई मिस्टेक हो सकती है या उनसे कुछ इस तरह के जो है वो प्रॉब्लम हो सकते हैं. सो इट्स वेरी क्रिटिकल थिंग कि आप कुछ अर्ली जो इंटरवेंशन हैं स्पेशली स्ट्रोक पेशेंट्स हैं हम उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है उस तरह से. जी और शायद प्रॉब्ली एक रीज़न ये भी है कि ऑनलाइन शायद पाकिस्तान में सेशन ज़्यादा इसलिए भी नहीं हो सकते क्योंकि ऑड आवर्स पे लोड शेडिंग हो जाती है और इन द मिडल ऑफ अ सेशन आप ऑनलाइन सेशन कर रहे हो पता चले डॉक्टर गायब हो गया या मरीज गायब हो गया तो वो काफी बड़ा मसला हो जाएगा उस वक्त. नहीं वो तो सर प्रोफेशनली जब आप काम करते हैं तो देन यू हैव टू मेक द कमिटमेंट्स अकॉर्डिंगली. बट यहाँ कुछ टेक्निकल चीजें होती हैं जो आपको बहुत उसमें प्रॉब्लम करती हैं. आप मतलब यू समटाइम्स यू फील लाइक के बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप कर ही नहीं पा रहे होते. फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट कनेक्शन जो है वो आपको बहुत पुअर हो जाता है. और समटाइम्स ऐसे होता है ऑफकोर्स अगर हमारा 30 मिनट्स का सेशन है तो उसमें पेशेंट अगर है तो वो फिर उसमें बहुत ज़्यादा वो
उनको भी प्रॉब्लम होती है कि अब हमारे 30 मिनट्स जा रहे हैं, लेकिन फिर हमारा ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर 4 to 4:30 पेशेंट है तो हमारा नेक्स्ट पेशेंट 4:30 पे वेट कर रहा है, तो लेकिन अब पेशेंट का जो जिस जिस पिछले वाले का अगर कनेक्शन ही अच्छा नहीं है तो हमारे गोल्स जो हमने एक दिन के सेट किए थे हमारे वो तो कम्प्लीट नहीं हो सकते. और समटाइम्स एट द सेम पॉइंट जब हमें अपना जो है वो टारगेट अचीव हो रहा होता है उस टाइम पे भी इंटरनेट प्रॉब्लम कर जाता है. So, yes, ये तो एक ऐसे इश्यूज हैं जिनको हम सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे अभी तक. ठीक. अच्छा मुझे ये बताइए कि जो आम फहम आदमी है एक कॉमन लेमैन की लैंग्वेज में, अगर आपको ये समझाना हो कि स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट क्या करता है, क्या सर्विसेज ऑफर करता है और उनका फील्ड क्या होता है जिसमें वो काम करते हैं, किन लोगों की हेल्प करते हैं, तो वो ज़रा काइंडली आप एक्सप्लेन करेंगी ज़रा तफसील के साथ कि हर आदमी को समझ आ जाए. ओके, आई विल ट्राई माय बेस्ट, लेकिन कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं ऑफ कोर्स जो कि इंग्लिश में ही हैं, बट फिर भी आई विल ट्राई माय बेस्ट टू बी नो दो एंड अ लॉट ऑफ इजीयर वर्ड्स. सो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जो हैं उनकी सबसे पहली जो उनकी टर्म है स्पीच लैंग्वेज एंड पैथोलॉजी, इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पीच के प्रॉब्लम्स हैं यानी स्पीच प्रोडक्शन से लेके स्पीच कॉम्प्रिहेंशन अंडरस्टैंडिंग जो लैंग्वेज है उसमें उसके लैंग्वेज के पैरामीटर्स, लैंग्वेज में आपको एक लैंग्वेज के वोकैबुलरी के वर्ड से लेके प्रॉपर सेंटेंस मेकिंग तक उसके यूज तक उसके सोशल यूज तक जो है वो ये सारे एरियाज अगर आपके प्रॉब्लमेटिक हैं तो उसमें स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट आपको हेल्प आउट करते हैं. इसके अलावा जो उनकी जॉब होती है, आई विल डेफिनेटली ब्रीफली एक्सप्लेन ईच एंड एवरी एरिया ऑफ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, बट आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस इट अ लिटिल बिट. उसके अलावा स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी सिर्फ ये टर्म नहीं है कि जी स्पीच लैंग्वेज बोलना है और बस ये 1, 2, 3 ABC कुछ इस तरह से पढ़ाया जाएगा यहाँ से कुछ. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स वेरी वाइड फील्ड और उसमें काफ़ी सारे जो हैं वो जो डिसऑर्डर्स हैं वो उसमें इस अम्ब्रेला में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्वॉलोइंग प्रॉब्लम्स हैं जिसमें कि हम हर एज ग्रुप के साथ काम करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट आई वुड लाइक टू मैंशन इट कि स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट इज नॉट ओनली वर्किंग विद चिल्ड्रन, दे आर वर्किंग विद एवरी काइंड ऑफ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी डिसऑर्डर्स एंड ऑलमोस्ट ऑल एजेस. फॉर एग्जाम्पल एडल्ट्स हैं उनके जो प्रॉब्लम है ओल्ड एज में जो प्रॉब्लम है स्पीच लैंग्वेज या कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड वो सब, सो वो सब एड से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट डील करती है. इस तरह सॉरी मैं आपको अगर इंटरजेक्ट करूँ, ओल्ड एज में जाके क्या क्या प्रॉब्लम्स ज्यादा हो जाती हैं ओल्ड एज में जाके इस हवाले से? ओल्ड एज में जाके जो एक इशू बहुत कॉमन हमारी सोसाइटी में तो खैर बहुत देखा गया है उसमें कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, फॉर एग्जांपल डिमेंशिया है, पार्किंसंस डिजीजेस हैं और उसके अलावा स्ट्रोक है जो कि एक बहुत कॉमन मेजर रीजन है ओल्ड एज में लैंग्वेज और स्पीच के हवाले से अगर हम बात करें, बिकॉज उसमें मोस्ट जो है वो लैंग्वेज का एरिया जो है स्पीच प्रोडक्शन का एरिया वो डैमेज हो जाता है. डिपेंड्स ऑन कि कौन सा एरिया डैमेज हुआ है पर्टिकुलरली, सो वो एक चीज होती है. इसी तरह उस एज में मूवमेंट्स टंग की जो है आवाज की प्रॉब्लम, लैरिंग्स का कैंसर जो आवाज का आपका वॉइस बॉक्स है उसमें कैंसर के रिमूवल के बाद आपकी वॉइस प्रोडक्शन या आपके बोलने के लिए आपको जो है वो जो टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं उसमें स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हेल्प करते हैं. और इसी तरह अगर स्ट्रोक हुआ है तो उसमें स्वॉलोइंग में प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे आपने देखा होगा कि लोगों को खुराक की नाली लगाई गई होती है और या फिर जब आप बात करते हैं तो वो बात समझ ही नहीं पाते, आप उनको जो कुछ कह रहे होते हैं वो कुछ और कह रहे होते हैं, मतलब दे कांट कॉम्प्रिहेंड व्हाटएवर यू आर सेइंग टू देम. उसके अलावा जो है अगर आप उनसे बोलते हैं तो वो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे तरीके से उस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे, आपकी हर जो कमांड है उसको वो शायद अंडरस्टैंड करके उसको फॉलो भी करें, बट दे कैन नॉट एग्जीक्यूट प्रॉपरली और कुछ उनकी मूवमेंट्स टंग मूवमेंट्स वीक हो जाती हैं, मस्कुलर जो ओरल उनकी मस्कुलेचर्स हैं उसमें वीकनेस आ जाती है ड्यू टू डैमेज इन द ब्रेन. तो वो एक चीज होती है जो कि ओल्ड एज में हम उसके साथ काम करते हैं एज अ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट. अच्छा जबरदस्त. और अर्ली चाइल्डहुड में क्या इश्यूज होते हैं, छोटे बच्चों में क्या इश्यूज होते हैं जो आप जिनको हेल्प करती हैं?
अर्ली चाइल्डहुड से पहले आई थिंक एडल्ट्स में भी हम देख लेते हैं, जैसे फिर उसी हिसाब से हम चलते हैं. फॉर एग्जांपल अगर यंग लोगों में आवाज के जैसे प्रॉब्लम होते हैं, तो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट स्पीच लैंग्वेज वॉइस प्रोडक्शन स्वॉलोइंग यानी खाना निगलना, खुराक जो है आप किस तरह से खाते हैं, और उसके साथ साथ समझ बूझ की सलाहियतें, इन सब चीजों पे हर एज में काम होता है. अर्ली जो चाइल्डहुड है उसमें अगर हम बात करें तो उसमें भी इन चीजों पे काम होता है, और जैसे एडल्ट्स हैं तो उसमें आवाज की प्रॉब्लम ज्यादा. जैसे आपने कभी देखा हो कि बहुत सारे लोगों की आवाज जो है वो खराब हो जाती है और उसको इतना नोटिस ही नहीं करते कि इस पे क्या करना है, और ज्यादा से ज्यादा वो मेडिकेशन ले लेंगे. लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनको प्रिकॉशनरी यूज करनी चाहिए, ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो उनको यूज करने चाहिए. फॉर एग्जांपल सिंगर्स हैं, उनकी आवाज में बहुत प्रॉब्लम होता है. कारी हैं, मदरसे में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं क्योंकि उनका वोकल यूज बहुत ज्यादा होता है. और इसी तरह स्टैमरिंग एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि यंग एज में आपने देखा होगा, लेकिन उसकी डेफिनेटली उसकी रूट जो है वो अर्ली चाइल्डहुड में होती हैं, लेकिन यह है कि वो एडल्ट्स में वो देखा क्या है. सो ये ऐसे प्रॉब्लम है जो कि यंग लोगों में भी हमने देखे हैं. उसके बाद अगर हम चाइल्डहुड की बात करें तो उसमें फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा जैसे वो पैदा हुआ और वहां पर जो प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, सबसे पहले तो ये होता है कि बर्थ के टाइम्स पहले ही क्या पता उनको कोई सिंड्रोम हो, या जैसे डाउन सिंड्रोम आपने देखा है जो कि क्रोमोसोमल डेफिशिएंसीज होती हैं वो होते हैं, और इसी तरह ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर कोई इस तरह का वायरस है या कोई इन्फेक्शन जो मदर ने जो है वो उसके साथ वो रही हूँ, और वो जो है वो ब्रेन की डेवलपमेंट पे करता है. इसी तरह न्यूरल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जैसे ऑटिज्म वगैरह वो जो है वो कॉज करते हैं. इसी तरह अगर बच्चे की बर्थ हुई है वो टाइमली रोया नहीं है, उसने मदर फीड नहीं लिया है, यू सक नहीं कर सकता, स्वॉलो नहीं कर सकता, च्यू नहीं कर सकता क्योंकि वो तो है लेटर आ जाएगा जब उसके दांत आएंगे तब, तो वो सक्शन जो है वो शुरू में ही मदर फीड से पता चल जाती है कि क्या वो बच्चा स्वॉलो कर पा रहा है, मदर के फीड को वो ले पा रहा है, सक कर पा रहा है, उसकी टंग मूवमेंट्स हो सकता है इनअप्रोप्रिएट हो या लिमिटेड हो. सो उस वजह से जैसे तंदवा एक बहुत कॉमन वर्ड है जो कि हम सुनते हैं कि तंदवा है बच्चे को, जो कि टंग के जो है वो नीचे एक मसल होता है जिसकी जो कि टंग की मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, और उसकी वजह से फिर बहुत सारे लफ्ज जो है उनकी प्रोडक्शन क्लियर नहीं होती है. तो बहुत जो बच्चे जिन बर्थ टाइम पे रोते नहीं हैं टाइम पे, या उनको प्रॉपर ऑक्सीजन उस टाइम पे नहीं मिलता है, डिलेड हो जाते हैं फिर उसके साथ साथ, उस टाइम पे भी उनका ब्रेन का डैमेज आ जाता है जिसको सेरेब्रल पाल्सी कहते हैं. और उसमें फिर ये देखा गया है कि उसकी वजह से जो है वो बच्चों के मस्कुलर जो प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा आते हैं, ओवरऑल बॉडी में भी आते हैं वो, लेकिन वेरी करता है, डिफरेंट डिपेंड करता है कि बच्चे का डैमेज ब्रेन में कितना आया. फॉर एग्जांपल अगर बहुत कम आया तो हो सकता है कि वो सिर्फ थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम हो, या उसकी टंग मूवमेंट्स थोड़ी वीक हो, स्वॉलोइंग में हो सकता है वो बिल्कुल ठीक हो, और हो सकता है कि उसकी जो कान में प्रॉब्लम चला जाए, उसकी कान उसकी समाप्त खत्म हो जाए, या समटाइम विजन में भी आता है कि जो उसकी जो देखने की सलाहियत है वो वीक हो जाए, ये ब्रेन डैमेज की वजह से कॉज कर सकती है. सो उसके अलावा जो है वो आपने देखा होगा कि जैसे बच्चों के मुंह से राल वगैरह टपक रही होती है क्योंकि उनकी ओरल जो मसल्स हैं वो इतने स्ट्रेंथन नहीं होते हैं कि वो अपने सारे जो फीचर्स हैं उनको कंट्रोल कर पाए, बिकॉज ब्रेन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली. सो उसके लिए फिर हम रिहैबिलिटेशन जो है प्रोवाइड करते हैं. इसी तरह अगर बच्चा है जो कि सुन ही नहीं पा रहा, समटाइम्स ऐसे होता है कि कुछ बच्चे पैदाइशी तौर पे ही नहीं सुन रहे होते, उसके पीछे वजूहात तो बहुत सारी होती हैं, जैसे कजन मैरिज है, फैमिली में अगर है पेरेंट्स को या किसी को तो हेयरिंग लॉस है तो बच्चे को हो सकता है, या एट द टाइम ऑफ बर्थ अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई, कोई डैमेज हो गया, या कोई एक्सीडेंटली कुछ हो गया बच्चे के साथ तो जो है वो हेयरिंग लॉस डेवलप हो सकता है. बच्चे ने कोई इन्फेक्शन जो है उसको अगर उसके साथ उसमें वो प्रॉब्लम आ गया है, किसी मेडिसिन कोई ऐसी मेडिसिन जो बाद हमने देखा है कि पाकिस्तान में या बहुत सारी जगहों पे भी शायद लोग जो है वो मेडिसिन को बस सुनी सुनाई पे कर लेते हैं, दे डोंट डिस्कस विद द डॉक्टर. और स्पेशली अगर एक्सपेक्टिंग मदर ड्यूरिंग लेट मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी कोई एंटी डिप्रेसेंट्स वगैरह ले रही होती है तो वो भी एक बहुत सीरियस इशू हो जाता है. एग्जैक्टली
बिकॉज ऑफ डैट कि उसमें ये होता है कि जो मदर है वाजफा वो डॉक्टर को शायद नहीं बताना चाह रही होती डैट दे आर एक्सपेक्टिंग. ये एक बहुत बड़ी रीजन है जहां पर लोगों को जब भी वो डॉक्टर के पास जाएं दे हैव टू मेंशन इट, क्योंकि डॉक्टर को तो नहीं पता कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या नहीं, तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग आपकी मेडिकेशन जो है वो चेंज करते हैं. Exactly, तो उसकी वजह से भी जो है वो देखने में आया है. और अब जो है वो ऑफकोर्स हम एक ऐसे इन्वायरमेंट में है जहाँ हम बहुत ज्यादा जो है वो एक इस तरह का हमारा लाइफस्टाइल हो गया है कि जहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हेल्दी नहीं है, हमारा लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं रहा. बहुत सारी रेज हैं जैसे फॉर एग्जांपल, और उनसे भी कहा जाता है मोबाइल का आप जो है सिस्टम रखें, उसके रेडिएशन आप पे बहुत अफेक्ट करती हैं. इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी पेरेंट्स को मदर को स्पेशली उसको इसके बारे में केयरफुल होना चाहिए. तो ये भी होता अच्छा, है मुझे एक बात बताइए कि जो अब बाय बर्थ कोई कंजेनिटल डिफेक्ट्स होते हैं, कोई डिसऑर्डर्स होते हैं, वो जैसे ही वो विजिबल होते हैं तो क्या उस वक्त आप लोग इंटरवेंशन शुरू करते हैं या वेट करते हैं कि बच्चा जरा सा बड़ा हो जाए और फिर उस वक्त आप करें वो? सर उसमें देखने की बात ये है कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि अगर जो एक चीज हम रेकमेंड करते हैं कि बाज़ों का पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्चा अगर नहीं बोल रहा है तो वो सुन नहीं रहा होगा, सिंपल. ये कॉमन सी एक चीज, थोड़ी सी अवेयरनेस इसके बारे में भी चले अच्छी बात है कि आ गई है लोगों को कि अगर वो बच्चा बोल नहीं रहा तो इसकी समात का टेस्ट करवा लीजिए ताकि इसका हियरिंग टेस्ट हो जाए तो उसके बाद पता चल जाए कि ये सुनता है कि नहीं सुनता. अगर वो ठीक आ गया है लकीली, तो उसके बाद फिर लोग जो है वो और वेट करते हैं 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल. और इनफैक्ट बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी देखने आए हैं जिनके बच्चे 9-10 साल तक के हो जाते हैं और फिर भी उन्होंने उनसे अगर पूछें कि आपने इतना वेट क्यों किया या आपने लेट क्यों किया, क्या आपको पता नहीं था कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, तो उसमें जो सुनने को मिलता है वो ये कि बाज़ों का पेरेंट्स को पता नहीं होता कि हमें किसके पास जाना चाहिए और हमारे बच्चे को जो प्रॉब्लम है वो किस उम्र में ठीक हो सकता है. और एक जो थर्ड बहुत कॉमन चीज है वो ये कि हमें किसी ने कहा था कि वेट कर लो, बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा. तो बड़े होने के जो चांसेस हैं उसके साथ साथ बहुत बच्चा जो उसकी डेवलपमेंटल एज की जो बहुत एक क्रिटिकल टाइम होता है, जो उसका लर्निंग का बहुत स्ट्रांग टाइम होता है, वो मिस हो जाता है. जब वो मिस हो जाता है तो फिर उसमें बड़ी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं. जब हम भी उसमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, सर्विसेज अपनी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी की दे रहे होते हैं, तो हमें फिर उस तरह से रिजल्ट्स भी नहीं मिलते हैं. जो कि अर्ली इंटरवेंशन अगर हो जाए तो उसमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ जाते हैं, बच्चे में इम्प्रूवमेंट चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा है, अगर वो उसकी उसका डायग्नोसिस हो गया है हियरिंग लॉस का, तो अगर वो जैसे ही हियरिंग लॉस का उसका टेस्ट हुआ, फॉर एग्जाम्पल आपका बच्चा नहीं सुनता है, आपने कहा कि पता नहीं है हम जब सोया हुआ होता है हम किसी चीज की दरवाजा जोर से बजाएं या कोई इसको आवाज दी, ढोल भी बज रहा हो तो ये नहीं सुनता, ये बहुत गहरी नींद होता है, तो ये एक चांस ऐसा हो सकता है कि आपके अपने बच्चा शायद सुन ही नहीं रहा, तो वहां आपको टेस्ट करवाने की जरूरत है. सबसे पहले हियरिंग जो है वो असेसमेंट करवाइए अपने ऑडियोलॉजिस्ट के पास, जो भी आपके करीबी हो उनसे आप चाहिए उनसे डिस्कस करिए. और असेसमेंट के बाद अगर हियरिंग असेसमेंट में ये पता चलता है कि बच्चा हियरिंग लॉस के साथ है, उसकी समात कम है, जितनी भी है वो डिपेंड करता है आगे ऑडियोलॉजिस्ट आपको क्या सजेस्ट करते हैं. उसके बाद फिर जो है स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट का काम शुरू हो जाता है. वो बच्चे को लैंग्वेज, स्पीच प्रोडक्शन, साउंड, हियरिंग एड जब लग जाता है आला समात, उसकी मैनेजमेंट, उसके साथ उसकी हियरिंग की ट्रेनिंग, वो सब स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट का रोल होता है. और जो डिलेड स्पीच होते हैं उसमें एक वजह नहीं होती है कि बच्चा सुन नहीं रहा, उसमें बहुत सारी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, जिसमें के कुछ डेवलपमेंटल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं. समटाइम्स ये होता है कि बच्चे की ब्रेन ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती, समटाइम्स कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज भी होते हैं बच्चों के साथ. फॉर एग्जाम्पल जैसे बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, अटेंशन डिफिशियट होते हैं, ऑटिज्म हो सकता है. और अब तो ये भी देखा गया है कि बच्चों को बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम प्रोवाइड कर देते हैं, यानी बच्चों को मोबाइल दे दिया, गैजेट्स दे दिए, टैबलेट दे दिया, और बच्चे जो हैं वो उस पर बस अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं,
और दे आर नॉट लर्निंग समथिंग जो कि उनको अपने एनवायरनमेंट से लर्न करना चाहिए. और वैसे भी एक्सेसिव स्क्रीन टाइम जो है वो रिसर्चर्स ये बताती हैं कि इसका इफेक्ट जो है वो एक जैसे आप कोई ड्रग ले रहे हो कोकेन वगैरह उसका जितना इफेक्ट होता है ब्रेन पे इसी तरह ये इफेक्ट करती है आपको, बाकी दुनिया की कोई होश नहीं रहती. सो जैसे बड़े भी हम लोग मोबाइल में बहुत ज़्यादा खो जाते हैं तो बच्चे भी हो जाते हैं इस तरह से, तो जबकि उनके लिए ज़्यादा नुकसान है. सो उसमें हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप 45 मिनट्स फॉर अ डे फॉर अ होल डे आप 45 मिनट्स से ज्यादा बच्चों को जो है वो मत करिए, उनको दीजिए ये इस तरह से गैजेट्स या और फिर कुछ भी. आजकल जो ख्वातीन हैं जो कुकिंग कर रही होती हैं या घर के काम कर रही होती हैं वो बड़ा उनके लिए टिपिकल है कि बच्चे को टैब दे दिया या मोबाइल दे दिया कि बच्चा उससे खेले, इवन वीडियो गेम खेलते हैं कोई ऐसी, और वो जो है वो आर्स एंड आर्स बच्चे उसको खेलते रहते हैं. तो वो 45 मिनट्स वाला रूल तो मेरे ख्याल है शायद वो अप्लाई नहीं होता पाकिस्तान में. एग्जैक्टली सर, वो अब जैसे बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान से मूव कर गए हैं किसी और कंट्री में, और वहाँ पर भी पेरेंट्स के पास तो टाइम ही नहीं है. लाइक अगर बोथ आर वर्किंग तो वो या मदर है अगर घर में तो उसको बाकी सारी चीज़ें अपने डोमेस्टिक जो चोर्स हैं वो भी उसको संभालने हैं, उसको बाकी अपनी ड्यूटीज भी संभालनी है, उसको बच्चे को भी ध्यान देना है और बच्चा बोल भी नहीं रहा. ऑफकोर्स अगर आप पाकिस्तानी लैंग्वेज से कुछ समटाइम्स ये होता है कि बच्चे 2-3 साल के होते हैं बोल रहे होते हैं ठीक ठाक, लेकिन जब वो उनका कल्चर जो है वो चेंज होता है लैंग्वेज चेंज हो जाती है तो उसको ऑफकोर्स सीखने में भी टाइम लगता है. तो बाज़ूकत ये होता है कि बच्चों पर साइकोलॉजिकल प्रेशर भी इतना होता है कि वो सोशली भी उस तरह से मूव नहीं कर पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते, उनका पीयर ग्रुप नहीं रहता, दोस्तों के साथ अगर वो खेलने जा रहे हैं तो उनकी समझ नहीं आ रही होती तो वो बिल्कुल म्यूट हो जाते हैं, तो वो बोल जो उनको आ रहा होता है वो भी बोलना छोड़ देते हैं. सो ये भी कुछ इस तरह की चीजें हैं जो कि देखने में आई हैं. तो स्क्रीन टाइम जो है वो बच्चे को इस तरह से होता है कि वो जितना इसको लिमिटाइज कर दिया जाए, जितना आप पेरेंट्स को जो है वो अगर 3 से 4 घंटे आप दे रहे हैं तो आप उसको आहिस्ता 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 कम करें. फॉर एग्जांपल 3 से 3.5 घंटे पे आप आएँ, जैसे अगर आपने 4 घंटे पहले था 3.5 पे आएँ फिर 3 पे आएँ, फिर इस तरह से 15-15, 20-20 मिनट का जो टाइमिंग है आप उसको रिड्यूस करें और उसी तरह से फिर आप उसको जो है वो वापस लेते आए. और एकदम से सब कुछ नहीं आपने चेंज करना होता, उसके लिए आपको जो है वो अगर हेल्प चाहिए हो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट की तो आप वो जरूर ले सकते हैं. राइट. बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जी. पाकिस्तान में जो है वो इस सिलसिले में लोगों को आगाही इतनी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, और वो इंतज़ार करते रहते हैं मोस्टली कि बच्चा बड़ा होगा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा. ये चीज़ें कुछ तो वैसे वो कहते हैं कि हमारा जो है वो बच्चे में कोई ऐसा इशू नहीं है, पहले वो डिनाइल स्टेट में रहते हैं और वो किसी से शेयर भी नहीं करते, फिर उसके बाद वो सेकंड फेज़ में चले जाते हैं जहाँ पे वो ऐसे लोगों से मशवरा करते हैं जो उनके करीबी रिश्तेदार होते हैं और वो भी वही ओपिनियन देते हैं बिकॉज दे आर नॉट प्रोफेशनल्स. तो वो कहते हैं कोई नहीं खैर है ठीक हो जाएगा, और या फलाने पीर साहब से दम करा लेते हैं, फलाने दरबार पे चले जाते हैं. दुआएं मांगनी भी ज़रूरी होती हैं लेकिन उसके साथ दवा भी चाहिए और वो इलाज भी चाहिए, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए. और इसमें आप लोगों को क्या आपका क्या एक्सपीरियंस है कि जब लोग आते हैं तो वो, मैं ये पूछ रहा था कि आपका क्या एक्सपीरियंस है जब आपके पास क्लाइंट्स आते हैं पेशेंट्स आते हैं तो क्या वो सही टाइम पे सही वक्त आ जाते हैं या वो ज़्यादातर केसेस वो होते हैं जिनका काफ़ी लेट हो गया होता है और काफ़ी केस बिगड़ चुका होता है फिर वो आते हैं आपके पास? सर इसमें तो वैरायटी आ जाती है, डिपेंड करता है. कुछ एजुकेटेड पेशेंट्स हैं या कुछ ऐसे मोर कंसर्न पेशेंट्स भी होते हैं. पेरेंट्स स्पेशली अगर उनकी बात की जाए, बच्चे तो ज़ाहिर ऑफ कोर्स वो होते कैन नॉट से एनीथिंग. तो कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके पेरेंट्स बहुत कंसर्न होते हैं उनको लेकर के कि हमारे बच्चा क्यों नहीं बोल रहा. या बाज़ूकात ये भी होता है कि अगर बच्चा बड़े उनके पहले से बच्चे हैं और वो टाइमली बोले हैं तो अगर वो सेकेंड बच्चा है और वो नहीं बोल रहा तो फिर वो थोड़ा से उनके लिए एक अलार्मिंग साइन हो जाता है कि क्यों नहीं बोल रहा. तो ये वैसे मोस्टली तो अगर हम रेशो की बात करें तो मैक्सिमम जो लोग हैं वो होते हैं जो वेट कर करके फिर आते हैं. लाइक 3 साल तक हम रिकमेंड करते हैं कि अगर बच्चा आपका नहीं बोल रहा देन दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू कंसल्ट अ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, यू शुड नॉट वेट एनी मोर.
और कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें हम कहते हैं कि ठीक है आप वेट कर लीजिए, या अगर वो करना चाहें, लेकिन यूजुअली 3 इयर्स तक हम नहीं कहते, इससे ज्यादा वेट की गुंजाइश बनती नहीं है। अगर हेयरिंग लॉस है, आला लगा है, आपने जल्दी बच्चे को दिखा लिया 1-1.5 साल की उम्र में ही, या 6 माह की उम्र में भी डिटेक्ट हो गया कि उसका हियरिंग लॉस है, तो आप वहीं से ही स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी सर्विसेज जो है वो लेना स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको थोड़ा सा ज्यादा चाहिए होता है कि अगर 2.5 साल का बच्चा हो गया लेकिन हम चाहते हैं कि बच्चा बोले, तो फिर हम वहां पर भी उनकी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी सर्विसेज उनको दे देते हैं, क्योंकि वो कंसर्न होते हैं। और वहां पर क्योंकि ये बहुत अच्छा टाइम होता है, बड़ा गोल्डन टाइम होता है बच्चों के लिए कि वो जल्दी सीख जाते हैं, तो जितना जल्दी वो सीख जाएंगे उतनी जल्दी जो है वो उनकी उनकी लाइफ एक नॉर्मल स्केड्यूल में वो चले जाएंगे, नॉर्मल फेजेस अपने जो है वो लाइफ के वो उनको करते जाएंगे क्रॉस। और स्कूल्स में जैसे उनके एडमिशन्स में भी प्रॉब्लम हो जाता है, अगर एक बच्चा नहीं बोल रहा है तो उसको स्कूल में भी ऑफ कोर्स चैलेंजेस होंगे, वो अपने आप को कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा स्कूल में, टीचर के साथ वो बात नहीं कर पाएगा अपने, ऑफ कोर्स अगर वो लर्न कर रहा है तो जो लर्निंग है वो भी उसकी वहां पर भी वो भी लिमिटेड हो जाएगी। सो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं। एक तो ये बड़ी कॉमन चीज होती है कि अगर बच्चा नहीं बोल रहा है तो उसको कहते स्कूल में डाल दो, स्कूल में डाल दिया तो ये बोल पड़ेगा। कुछ ऐसे डेफिनेटली केसेस हैं, सक्सेसफुली होते भी हैं, लेकिन वो ऐसे केसेस होते हैं जिसमें बच्चा सोशल उसका जो इंटरेक्शन है शायद वो लैक कर रहा होता है, तो जब वो बढ़ता है तो वो उसमें इंप्रूवमेंट फौरन उसके आ जाते हैं। लेकिन अगर बच्चे आपके को प्रॉब्लम ही कुछ इस तरह से है कि उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए, तो पेरेंट्स को ये जरूर कहूंगी कि उसके स्कूलिंग से पहले उसकी ट्रीटमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है, उसको करवाइए, बिकॉज आपके बच्चे की मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके स्कोर से या उसकी क्लास को पास करने से 1, 2, 3 में, या अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, कुछ भी, तो उससे वो तब पॉसिबल है जब उसकी ट्रीटमेंट प्रॉपरली टाइम पे हुई होगी और वो चीजों को जो उसकी बेसिक जो उसकी बेस है वो स्ट्रांग होगी लर्न करने के लिए। तो ऐसी बहुत सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज भी हैं जो कि स्कूल्स में जाके जो है वो आइडेंटिफाई होती हैं, टीचर्स उनको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर वो कहते हैं कि आप इनको किसी डॉक्टर को दिखाएं, तो जैसे बच्चों को स्पेलिंग्स नहीं आ रहे होते, वो याद करने में प्रॉब्लम होती है, रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, राइटिंग में होती है, लफ्ज़ को उल्टा लिखते हैं, बिहेवियर इश्यूज होते हैं, बच्चे कमांड्स ही फॉलो नहीं कर रहे होते, जो टीचर जो कह रही है कहती रहे, उनकी अपनी एक दुनिया है। और कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी हैं, यानी ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जैसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स का, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम का, सोशल इंटरेक्शन का, सेंसरी इश्यूज का। सो वो जब चीजें इतनी सारी एक बच्चे के अंदर प्रॉब्लमेटिक हैं, आप उनको जब तक सॉल्व नहीं करेंगे वो लर्निंग में या स्कूलिंग में नहीं चल पाएगा। फिर वो यही होगा कि वो आपको स्कूल की तरफ से भी प्रेशर होगा, मदर पे भी समटाइम ये होता है कि सिर्फ मदर पे प्रेशर हो जाता है कि ये तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। सो वो कोई भी उस जो है ना प्रॉब्लम को खुद खुद पे नहीं लेता, लेकिन ये हम इसको टारगेट करने की बजाय अगर हम इसको सॉल्व करें, विच इज अ वेरी गुड थिंग, स्पेशली अगर और ऐसे टाइमली हो बच्चों जाता के साथ अन जी ऐसे बच्चों के साथ अनफॉर्चुनेट बात यह है कि उनके साथ स्कूल में भी अच्छा रवैया नहीं रखते उनके क्लास फेलोज, और वहां पे बुलिंग शुरू हो जाती है और वहां पे लेबलिंग शुरू हो जाती है और उनको छेड़ा जाता है, उनको हैरास किया जाता है। वहां पे पेरेंट्स का रोल क्या है? वो क्या वो ज्यादा बेहतर नहीं है कि जो जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की, बिटवीन 2 to 3 years उनको देखना चाहिए, अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, हेयरिंग का इशू है या उसका स्पीच का इशू है, तो उनको इमिजिएटली पहले उनको फोकस करना चाहिए कि वो इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व हो जाए, ट्रीटमेंट हो जाए, रादर देन सेंडिंग टू द स्कूल स्ट्रेट अवे। जो आपने बात की बिल्कुल बहुत वैलिड पॉइंट है कि आमतौर पे वैसे पेरेंट्स की अप्रोच यही होती है कि कोई बात नहीं, स्कूल जाएगा तो ठीक हो जाएगा। एक्चुअली आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में तो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जो है वो है भी बहुत कम,
एक इमर्जिंग फील्ड है ये, और बहुत कम लोग जो हैं वो गवर्नमेंट सेटअप में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अपॉइंटेड हैं, बल्कि है भी नहीं, ना होने के बराबर हैं, क्योंकि सीट्स भी नहीं है और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट भी बहुत कम है. और फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक अच्छी चीज़ होनी चाहिए कि स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट की हायरिंग होनी चाहिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में. फिर अगर हम पाकिस्तान से बाहर डिफरेंट कंट्रीज की बात करें, अमेरिका, कैनेडा या यूरोप में किसी भी, वहां पर प्रॉपर एक चेन होती है, लोग एक थ्रू प्रॉपर चैनल जो है वो रेफर होते हैं. सो हर स्कूल में स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट की प्रॉपर पोस्ट होती है, साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट होती है, जहां पर वो बच्चों के एडमिशन के टाइम पे उनकी असेसमेंट करते हैं. अगर बच्चे के साथ कोई इश्यूज हैं, कुछ इस तरह के इश्यूज हैं, तो वो फिर रेफर कर देते हैं पेडियाट्रिशियन को या स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट का, अगर वहां पर रोल है, या वो अगर कोई उनका उनसे रिलेटेड अगर कोई बच्चे को प्रॉब्लम है तो वो साथ ही साथ वो काम शुरू कर देती हैं बच्चे के साथ. लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये चीज नहीं है. स्कूल में जैसे आपने कहा कि टीचर्स जो हैं उनका भी एटीट्यूड अच्छा नहीं होता बच्चों के साथ, बच्चों भी बुलिंग का जो है वो शिकार होते हैं. और दूसरी जो एक स्पेशली जो एक चीज सामने आती है वो ये कि एक्सेप्टेंस भी नहीं आती कुछ मेजर जो लर्निंग सॉरी डिसेबिलिटीज हैं या जी डिफरेंट चैलेंजिंग के साथ जो बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल एजुकेशन सिस्टम है. लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कुछ अगर प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करना चाहिए, ट्रीटमेंट के बाद उनको नॉर्मल मेन स्ट्रीम स्कूल में जाना चाहिए. तो वो बच्चे जो हैं वो बीच में लटके रह जाते हैं, ना वो स्पेशल एजुकेशन के लाइक होते हैं ना वो नॉर्मल स्कूल वाले उनको एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, बिकॉज उनकी प्रॉपर टाइमली ट्रीटमेंट नहीं हुई होती. और टीचर्स राइट को इसके बारे में डिफरेंट वर्कशॉप्स होनी चाहिए. आई हैव कंडक्टेड डिफरेंट स्कूल्स में, जहां पर टीचर्स को इस ठीक बारे में पता होना चाहिए कि जो अर्ली साइंस हैं एक बच्चे में जब वो प्ले ग्रुप में उसका एडमिशन हो रहा है, तो कुछ अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में उनको हम अवेयर कर दें, ताकि वो उनको स्कैन करके उनको एक फिल्टर करके उनको प्रॉपर जहां बच्चों को रेफर करना चाहिए, अगर स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास रेफर करना है तो वो रेफर करें, अगर साइकोलॉजी साइकोलॉजिस्ट के पास रेफर करना है तो वहां वो करें, अगर बच्चे के साथ कोई और लर्निंग डिसेबिलिटी है या हियरिंग का प्रॉब्लम है, उनको लग रहा है कि बच्चा सुन नहीं रहा, तो वहां उनको ऑडियोलॉजिस्ट को रेफर करना चाहिए. सो ये मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा होना चाहिए जहां पर मेनली हम काम तो इसीलिए कर रहे हैं कि हम लोगों को अवेयर कर सके. दैट्स व्हाई वी आर हेयर टुडे. सो वो जो अवेयरनेस का जो पर्पस है वो हमारा तभी पूरा होता है जब हम पेरेंट्स के साथ साथ टीचर्स को भी इसके बारे में जो है वो अवेयर करें, और वो इन चीजों के बारे में जितना अच्छा वो रोल प्ले कर सकती हैं, आई थिंक वो एक बहुत इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है जिसको के देखना चाहिए. और टीचर्स के साथ, टीचर्स को डेफिनेटली इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी है पेरेंट्स के साथ साथ. जबरदस्त, बहुत अच्छी बातें की आपने करिश्मा. मुझे ये बताइए कि आपको तो अपनी क्लास का पता होगा, अपनी यूनिवर्सिटी का पता होगा, लाहौर शहर में और अगर हम कहें तो मेजर सिटीज में, लाहौर में, इस्लामाबाद में कितने स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट होंगे अंदाजन? क्योंकि ये तो बहुत अब एक ऐसी फील्ड है जो कि लोग जिसके बारे में अवेयरनेस नहीं रखते और इश्यूज बहुत सारे हैं, बच्चे बहुत सारे इश्यूज के साथ वो स्ट्रगल करते हैं अपनी अर्ली चाइल्डहुड में, और पेरेंट्स जो है उसके बारे में नॉलेज ना रखने की वजह से वो ट्रीटमेंट नहीं कराते और वो फिर जो है और बढ़ जाता है मसला. तो कितने कोई आपके हिसाब से होंगे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज लोगों के लिए? आई थिंक बहुत कम है अगर हम ये कहें कि बहुत ज्यादा है, बट हाँ लाहौर में एक एस्टिमेट में कह सकती हूँ, मतलब मे बी आई कैन बी रॉन्ग, बट आई थिंक 50+ डेफिनेटली होंगे. इस्लामाबाद में भी अच्छा, इसी तरह ही है, 50+ 100 के करीब होंगे स्पीच लैंग्वेज ओके ओके पैथोलॉजिस्ट. जैसे मुल्तान है तो मुल्तान में शायद 3-4 हैं, कराची में बहुत ज्यादा हैं, क्वेटा में ओके एक या दो हैं जिनको मैं जानती हूँ. इसी तरह अगर हम बात करें सरगोधा में, तो देयर इज ओनली वन स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हु इज वर्किंग देयर, वो भी प्राइवेट सेटअप में, गवर्नमेंट जॉब आई थिंक एक स्पेशल एजुकेशन में शी इज अपॉइंटेड देयर, यस. और अगर हम बात करें फैसलाबाद में, वहां पर भी एज फार एज आई नो आई थिंक 3-4 है. तो गवर्नमेंट सेटअप में आई थिंक हॉस्पिटल्स में जितने भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, डीएचक्यूज हैं, वहां पर एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट मस्ट होना चाहिए.
मस्ट होना चाहिए. और बहुत कम इनकी जो है वो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं. हमारी यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे जो है वो अपने स्टूडेंट्स को जो है वो उस तरह से वो प्रोड्यूस कर रही हैं. बहुत कमाल का काम हो रहा है, लेकिन क्वैक्स भी बहुत है. और मेरा ख्याल है कि उनको रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है. जैसे हमारी एसोसिएशंस भी हैं, वो काम कर रही हैं ताकि हम क्विक्स से जो है वो उनसे हम बचे रहें. और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, असल में लोगों को ये होता है कि वो कहते हैं कि आप तो 1,000 ले रही हैं, 2,000 ले रही हैं, 3,000 ले रही हैं, तो वो फलां वो भी तो स्पीच थेरेपिस्ट हैं, वो तो हमसे 500 ले रही हैं. सो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जिसके पास जा रहे हैं क्या वो क्वालिफाइड है या कि वो नॉन प्रोफेशनल है. क्या हो, मेरे साथ भी ऐसे हुआ कि आपके जो असिस्टेंट होती हैं बाज़ुकात, जो आपको रिसेप्शन पे आपको असिस्ट कर रही होती हैं, जस्ट पेशेंट की वो फाइल वगैरह बनाने वाला सीन, सो वो भी अपने आप को दो चार चीजें शायद उन्होंने हमें ऑब्जर्व कर की हूँ, देखा हो. सो दे स्टार्ट वर्किंग इंडिविजुअली और वो फिर उस पर कहती है कि हम भी स्पीच थेरेपी करवाएंगे. बट ऐसा ही होता है कि वो फिर ज्यादा लंबा अर्सा नहीं चल पाते, उनको भी जितना आता होता है वो उस हिसाब से वहीं तक ही डूब जाते हैं. अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो स्टैमरिंग है इसके बारे में क्या बताएंगी आप, कि ये किस एज तक काफ़ी वाजे हो जाती है? वैसे तो विजिबल तो किसी वक्त भी हो जाती है, जैसी बच्चा बोलने की कोशिश करता है, अर्ली एज मे बी ईयर एंड अ हाफ से लेके ही, लेकिन कब तक ऐसा है कि पेरेंट्स को बहुत अगेन बहुत सीरियसली इसके लिए कुछ करना चाहिए और क्या करना चाहिए उसके लिए? स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास ही जाना चाहिए या उसके अलावा भी कोई इसका हाल है? That's a very, very important question, I must say. आपने जैसे stammering की बात अगर की जाए तो इसका बहुत ज़्यादा एक connection psychology के साथ भी है. इसकी जो अगर हम root cause की बात करें तो साथ ही साथ इसकी genetics की भी जो है वो हम कहते हैं कि उसमें भी इसकी reasons पाई जाती हैं. लेकिन मेनली ज़्यादातर जो है वो साइकोलॉजिकल, हमारे इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद जो लोग हैं उनके रेस्पॉन्सेज, हमारे स्कूल में जो हैं टीचर्स के रेस्पॉन्सेज, स्टूडेंट्स जो हमारे साथ में हमारे क्लास फेलोज हैं उनके रेस्पॉन्सेज, इसी तरह हमारे माशरे में अगर एक बॉस है जिसने के एक हायरिंग करनी है या HR है या कोई भी है, जब वो इंटरव्यू कर रहा होता है तो वहाँ स्टैमरिंग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है लोगों को जो कि इसको फेस कर रहे होते हैं. तो अगर हम इसकी असेसमेंट की बात की जाए कि हमें कब ये पता चल जाता है कि कब शुरू हुई, तो यूजुअली जो डिस्फ्लुएंसी है वो 3 से 4 साल की एज में उसके सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं. 3-4 साल की एज में वो डिस्फ्लुएंसी बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन, तकरीबन 75% तक लोगों में पाई जाती है. और वो उसमें से बहुत ज्यादा बच्चे जो है वो निकल आते हैं, मतलब मैक्सिमम जो रेशो होती है वो बच्चों की निकल आती है. उन बच्चों में होता है जैसे बच्चे क्योंकि लर्न कर रहे होते हैं न्यू लैंग्वेज, वो फ्लुएंट होने वाले होते हैं न्यू लैंग्वेजेस, लैंग्वेज के साथ साथ न्यू वोकेबुलरी उनकी आ रही होती है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस उनके पास होते हैं, वैरायटी ऑफ नॉलेज होता है, तो दिमाग में बहुत सारी चीजें जो है वो उनके पास जब इकट्ठी हो जाती हैं तो एक कन्फ्यूजन भी डेवलप हो सकती है क्योंकि वो फ्लुएंट होना चाह रहे होते हैं. सो वो डिस्फ्लुएंसी एक बहुत कॉमन चीज है जिसकी वजह से जो है वो बच्चों में स्टैमरिंग डेवलप हो जाती है जब उसको टाइमली नहीं ट्रीट किया जाता. वो जो बच्चे उसमें रह जाते हैं, जी जी प्लीज कंटिन्यू करें, फिर मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ, प्लीज कंटिन्यू कीजिए. वो बच्चे जो उसमें रह जाते हैं, यानी कुछ तो जो नेचुरली डेवलपमेंट उनकी हो जाती है फ्लुएंसी की, वो तो उसमें से निकल गए, लेकिन जो बच्चे रह जाते हैं उनको डेफिनेटली डेफिनेटली स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी सर्विसेज की जरूरत होती है. एंड टिल द डेट स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी के अलावा स्टैमरिंग के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि मेडिसिन बहुत ज़्यादा जो है वो हमने देखा है कि मेडिकेशंस भी रिकमेंड कर दी जाती हैं, डिफरेंट किस्म के उनको टॉनिक्स भी कह दिए जाते हैं, और पेशेंट्स खुद भी आके हमें ये कह रहे होते हैं कि आप प्लीज़ हमें बोलने के लिए कोई दवाई दे दें, जबकि स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट का काम कहीं मेडिसिन के साथ नहीं है. दे कैन नॉट रिकमेंड यू एनी काइंड ऑफ सिरप, टॉनिक, कैप्सूल्स, मेडिसिन, नो, नॉट एट ऑल. ये काम आपके मेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का है, वो आपके साथ करते हैं. स्पीच को, स्पीच की प्रोडक्शन के लिए किसी भी हवाले से कोई मेडिसिन यूज नहीं होती.
सो उसके बाद जब वो डिफरेंट फेजेस होते हैं, वो बच्चा जब उसमें से कुछ पेरेंट्स का जो है वो जब उनको अर्ली टाइम पे, कुछ ऐसे पेरेंट्स भी आते हैं जिनको बच्चे को देखा गया है कि 2-3 दिन उनको हुए, वो देखते हैं कि इसको तो कुछ हुआ है और ये इस तरह से जो है वो स्टैमर करना शुरू हो गया, आम जुबान में उर्दू में उसको हकलाहट कहते हैं। सो ये इसको जब स्टार्ट हो गई है तो हम बड़े परेशान हो गए, हमने सोचा आपसे डिस्कस करें। तो हमें फिर हम डॉक्टर के पास गए, वहां से पता चला कि स्पीच थेरेपिस्ट इसको डील करती हैं, तो वो फिर हमारे पास आए और फिर जब हम उनको गाइड करते हैं कि आपने ये इस तरह से बिहेवियर ये वाले शो नहीं करने, बच्चे के साथ कॉपरेट करना है, उसको तेज बोलने को नहीं कहना, बच्चे के साथ आपके साइकोलॉजिकल जो आपके एक रिलेशनशिप है उसको स्मूथ रखें, बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा आप एक बॉसी वाला बिहेवियर ना उसके साथ शो करें, उसको प्रोवाइड करें प्लेटफॉर्म ईजी जहाँ पर वो बोल पाए। और डिफरेंट और बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो कि हम क्लिनिक्स में इम्प्लीमेंट करते हैं और पेरेंट्स को भी गाइड करते हैं, तो वो अगर उसको प्रॉपरली करते हैं जब, तो बच्चे उसमें से निकल आते हैं, ठीक भी हो जाते हैं, 110% ठीक हो जाते हैं। लेकिन डिफरेंट फेजेस के बाद जो है वो जब बच्चा दोबारा उसको डेवलप कर लेता है 5-6 साल की उम्र में या 7 साल की उम्र में भी डेवलप करता है, फिर वो प्रॉपर स्टैमरिंग की सूरत में आती है एंड इट नीड्स प्रॉपर स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी की जो ट्रीटमेंट है तकरीबन 3-4 महीने तक, वो हम उसको प्रॉपर एक पूरा कोर्स जो है वो ऑफर करते हैं और उसमें कंपनसेशन भी हम एक पर्टिकुलर एज में, जैसे 12 साल का है कोई या कोई 18 साल का है, 15 साल का है, 30 साल का है, तो हम उसको फिर उसकी फ्लुएंसी को कंट्रोल करने के लिए कंपनसेशन स्ट्रेटजीज भी हम उनको प्रोवाइड करते हैं। जो चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो एक रियल टाइम मेरे साथ, जब मेरा सेटअप था लाहौर में व्हेन आई वाज वर्किंग इन पाकिस्तान, तो मेरे पास एक खातून अपने 2 बेटों को लेके आई, बेटा एक जो छोटा वाला था वो मोस्ट प्रोबेबली 8-9 ईयर्स ओल्ड था और बड़ा वाला जो था वो 11 एंड हाफ का था, 12 मैक्सिम, और वो दोनों बड़े अच्छे क्यूट बच्चे, और बड़े वाले बच्चे को स्टैमरिंग की प्रॉब्लम थी, तो मदर ने बताया कि जी आप इसको देखें इसके क्या इश्यूज हैं। तो मैंने उनको दोनों बच्चों को 50-50 रुपीज़ दिए और नीचे वेंडिंग मशीन थी, मैंने कहा उसमें से निकालो आपने क्या निकालना है, मैं देखना चाहता था, ऑब्जर्व करना चाहता था कि दोनों बच्चे कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं। उन्होंने उसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि जी हमने कभी यूज़ नहीं की, मैंने कहा देखो उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, कौन सा बटन पहले प्रेस करना है। उन्होंने देखा, फिर उसके बाद पढ़ने के बाद उन्होंने वो प्रेस किया, फिर उसमें से कोक वगैरह निकाली, कोई स्नैक्स, कोई वैसे प्रिंगल्स वगैरह जो भी चीज़ें थी वो ऐसे वो निकाली, फिर वो आके बैठ गए। फिर अच्छा, मदर ने बताना शुरू किया सारा हिस्ट्री बेटे की, फिर थोड़ी देर के बाद मैंने मदर को और छोटे वाले बेटे को भेज दिया, मैंने कहा आप जाके बैठे रिसेप्शन पे तो मैं इसके साथ जरा बात करता हूँ। एंड फॉर द नेक्स्ट 30-35 मिनट्स मैं उससे यही पूछता रहा कि टीवी के प्रोग्राम्स कौन से अच्छे लगते हैं, मूवी कौन सी देखते हो, स्पोर्ट्स में कौन से इंटरेस्टेड हो, और यकीन करें उस दौरान उसने एक आध दफा स्टैमर किया होगा। लेकिन जब रैप अप के वक्त मैंने उसकी मदर को वापस बुलाया और आके वो बैठी और उन्होंने पूछना शुरू किया कि इसका कैसा है, क्या इसका रिस्पॉन्स था और ये कब तक ठीक हो जाएगा, चांसेस हैं कि नहीं है, अब ये सारी चीजें उन्होंने उस बच्चे के सामने ही पूछ ली। मैंने उतनी देर में उन दोनों को भेजा, लेकिन जो एक चीज मैंने ऑब्जर्व की वो ये की कि जितनी देर वो अपनी मदर के सामने था फिर उसकी स्टैमरिंग उसी तरह से वो होनी शुरू हो गई और वो स्टैमर करना शुरू हो गया वैसे ही अपनी मदर के सामने। जी, ये कई दफा पेरेंट्स इतना प्रेशर डाल देते हैं अपने बच्चों के ऊपर कि अर्ली चाइल्डहुड में उनकी जो शख्सियत है वो बिल्कुल एक वो खोल में चली जाती है और वो दब जाते हैं, उनको अपना कोई इनिशिएटिव नहीं लेने दिया जाता, उनसे गलती की गुंजाइश कोई नहीं है, इस किस्म की बातें उनको की जाती हैं, इतना स्ट्रिक्ट किस्म की उनकी पेरेंटिंग होती है कि वो स्टैमरिंग के भी इशूज हो जाते हैं, उनके सीरियस जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं वो भी हो जाते हैं। और मैंने कई बच्चों को देखा वो मेरे पास जब आए तो उनके इश्यूज जो थे वो सारे अर्ली चाइल्डहुड के थे, 0-7 ईयर्स की एज के थे। आप कभी इसी किस्म का कोई
मुशायदा होगा, ऑब्जर्वेशन होगी जब आपके पास आते हैं। जी बिल्कुल, अगर हम स्टैमरिंग के हवाले से बात करें तो मैंने जैसे कहा कि इसमें एनवायरनमेंट का बहुत रोल है, लोगों के बिहेवियर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एसोसिएशन भी बड़ी काउंट करती है कि बच्चों की जो एक किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से उनकी, जैसे फादर एक बहुत एक डेविल किस्म का रोल होता है कुछ लोगों की फैमिलीज में, कि वह बहुत एक एक ऐसा बॉस होता है जिसके सामने आपको एक परफेक्ट पर्सनालिटी के तौर पे अपीयर होना होता है, जिसमें कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, आप हर जो जितने भी रूल्स हैं जो घर में बनाए गए होते हैं आपको उनको परफेक्टली फॉलो करना है और हर सूरत करना है। और कुछ पेरेंट्स की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी हो जाती हैं, दे स्टार्ट एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम द चाइल्ड। और बाज़ात ये भी देखने में आया है कि जो बच्चे हैं एक ही माँ के, अगर फॉर एग्जाम्पल दो बेटे हैं तो वो दे स्टार्ट कंपेयरिंग देम, देखो वो तो मेरा अच्छा बच्चा है, आप ऐसे नहीं हो, देखो वो तो 90+ ले रहा है, आप जो है वो आप 70+ ले रहे हो। तो ये जो एक कंपटीशन बन जाता है फैमिली के अंदर ही, इन चीजों पे बहुत ज्यादा जो है वो काम करने की जरूरत है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक फॉर अ हेल्दी फैमिली एंड हेल्दी रिलेशनशिप्स। मैं ये समझती हूँ कि हमारे यहाँ पेरेंटिंग पे बहुत अच्छी जो है वो गाइडलाइंस होनी चाहिए पेरेंट्स पे, मदर को, फादर को, इंडिविजुअली भी और ग्रुप्स में भी, कि अगर हम एक एक मदर जो है वो अपने बच्चे के साथ कोई पॉजिटिव चीजें कर रही हैं और उसके उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, सो दे कैन शेयर विद द अदर पेरेंट्स, ताकि उनमें भी इनकरेजिंग जो है वो एक डेवलप हो उस चीज के लिए कि कहाँ पर उनको जो है वो चीजें पॉजिटिवली करनी चाहिए। हर मदर, हर फादर जो है वो अपने बच्चे के साथ बहुत अच्छा करना चाह रहे होते हैं, बट somehow due to lack of awareness या understanding वो चीजें कुछ मिस हो जाती है इस तरह की, जो कि उनको उनके उनके बच्चों के साथ या उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। बच्चों की साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और लोग इसको इग्नोर कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्ली 5-7-8 ईयर्स जो कि साइकोलॉजिकली अगर हम उसकी बात करें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपकी आपके आपके कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप। सो वो जो आपकी एक साइकी बन जाती है वो बहुत बहुत स्ट्रांग होती है फॉर द होल लाइफ, और उसमें बहुत सारे ऐसे फियर्स भी डेवलप हो जाते हैं जिनको लेटर ऑन लाइफ में उन पर काम करना या उनको ख़त्म करना भी बहुत एक चैलेंजिंग हो जाता है पेरेंट्स के लिए। और फिर उनको बाज़ात जो है वो सर्विसेज लेनी पड़ती हैं साइकोलॉजिस्ट की, या फिर जो भी उनको इस तरह से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो समटाइम्स साइकियाट्रिस्ट की भी इन सीरियस इश्यूज। ऐसे ही है वो जो कहते हैं ना कि अ ब्रोकन चाइल्ड इज अ ब्रोकन एडल्ट, और उसकी बेसिक वजह यही होती है कि जो रूट कॉज है वो अर्ली चाइल्डहुड में होता है, और वो जो आपकी रिप्रेस्ड मेमोरीज हैं रिलेशनशिप नेगेटिव इमोशंस के साथ वो 0-7 ईयर्स की होती हैं, एंड दे ले द फाउंडेशन द वेरी बेसिस ऑफ योर जो आपका फ्यूचर है। लोग आमतौर पे कहते हैं कि ये ठीक हो जाएगा बड़ा होके, प्रॉब्लम जब तक एड्रेस नहीं होगी, वो इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे, वो एनवायरनमेंट सपोर्टिव नहीं होगी, अगर घर में वो पेरेंट्स की वजह से है या वो सिबलिंग्स की वजह से है, वो सारी चीजें ठीक नहीं होंगी, तो वो रिकवरी जो है वो थोड़े अरसे के लिए होती है, फिर रिलैप्स होने का चांस होता है। थैंक यू वेरी मच करिश्मा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत टाइम दिया और इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था, और खास तौर पे उन लोगों के लिए जो पहली दफा इस टॉपिक को सुनेंगे आज, और दोबारा मेरे ख्याल है अपने दोस्तों को भी वो इस पे वो टैग लाइन करेंगे और सेंड करेंगे। स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट करिश्मा आज हमारे साथ थी, थैंक यू वेरी मच करिश्मा फॉर ऑल दिस एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और जाते जाते कोई लोगों के लिए अगर आपने कोई मैसेज देना हो कि क्या करना चाहिए इस COVID-19 से निकलने के बाद, क्या करना चाहिए, क्योंकि ये गुजर जाएगा, दिस टू शेल पास, तो हम ना उम्मीद ना हो और आगे हम किस चीज़ की तवक्को रखें।
Thank you very much for having me, and it's a privilege for me to be your guest. लेकिन ये है कि जहाँ तक कोविड की बात की जाए, of course ये एक ऐसा फियर है, एक ऐसा कुछ इसमें डेफिनेटली बहुत सारी हमारी अपनी भी गलतियाँ हैं कि हम भी थोड़ा सा चीज़ों को निगलेक्ट कर रहे थे बहुत अर्ली टाइम पे, जहाँ पर लोगों को समझना चाहिए था. जब इस पर बात हो रही थी तो लोग उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, जो कि वो बहुत एक अच्छे हमारे पास रिजल्ट ला सकती थी एट दैट टाइम, अगर हम उसको एक्सेप्ट कर जाते, मान जाते बात को. लेकिन नाउ अब हमें इसके साथ अगर रहना है तो हमें अपने बिहेवियर्स, अपने एटीट्यूड्स टुवर्ड्स इट, हमें वो भी चेंज करने पड़ेंगे. हमें जो प्रिकॉशंस बताई जा रही है हमें वो भी करनी पड़ेंगी, और साथ ही साथ हमें अपनी मेंटल हेल्थ पे, अपने आप को कैसे स्ट्रांग रखना है, हमें उस पर भी काम करना पड़ेगा. क्योंकि आपकी इम्यूनिटी जो है वो बेस करती है आपकी आपकी मेंटल हेल्थ पे. आप जितने अच्छा मेंटली स्ट्रांग होंगे, आपकी इम्यूनिटी भी उतनी अच्छी स्ट्रांग होगी. आप अपनी लाइफ की बहुत सारी हार्डशिप्स के साथ आप बहुत स्ट्रांगली जो है वो आप लड़ पाते हैं, उनसे निकल आ सकते हैं. और इसी तरह अगर अगर आपको अगर हम COVID-19 के इस फेज के बाद की, अल्लाह करे ये जल्दी खत्म हो जाए, अगर हम उसकी बाद की बात करें तो आई थिंक लोगों को शायद मेंटल हेल्थ सर्विसेज बहुत ज्यादा लेने की जरूरत पड़ेगी. बहुत सारी ऐसी जगहों पे शायद लोग हों जो, अल्लाह करे हमारे आज ये सेशन वहां तक चला जाए, जिनको शायद इस चीज का आइडिया ही नहीं हो कि हमें क्या करना है. तो आई थिंक दे हैव टू कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट या लाइफ कोच या जो भी उनके पास नियरेस्ट जो भी अच्छा उनको काउंसिल कर सकता हो. लाइफ काउंसलिंग सेशन जैसे आप प्रोवाइड कर रहे हैं, दे कैन टेक योर सर्विसेज. सो वहां पर अगर वो पॉजिटिव चीजों को अडॉप्ट करना शुरू करेंगे तो आई थिंक उनकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस भी आ सकते हैं, और वो एटलीस्ट अपने इन प्रॉब्लम्स के साथ या जो आने वाले प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ कोप करने के लिए उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ डेवलप हो सकती है. बिकॉज साइकोलॉजिस्ट जो हैं या जो लाइफ कोच है, वो आपको कोई मैजिक तो नहीं करते कि आपकी लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं. दे जस्ट ट्रेन यू हाउ यू कैन डील योर प्रॉब्लम्स, हाउ यू कैन सॉल्व देम, हाउ यू कैन वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी, हाउ यू कैन ग्रूम योर सेल्फ, हाउ यू कैन मेंटली स्टेबल. और उन सब चीजों पे जब आप काम करते हैं तो आप बहुत सारी चीजों से आसानी से निकल आ सकते हैं. हर एक की लाइफ में प्रॉब्लम होती है, हर एक की लाइफ में हार्डशिप्स होती हैं. वो अपेरेंटली शायद बड़ा स्मूथ उनका पाथवे लग रहा होता है, लेकिन कोई भी अगर कहीं भी किसी भी पॉइंट पे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है, एक पॉइंट पे है खड़ा हुआ, तो वो बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद वो एक स्मूथ जो है वो सीट पे, वो शायद अल्लाह ताला उसको रिवॉर्ड करते हैं उसके लिए. तो वो उसके अंदर वो जितनी भी जो मुश्किलें थी उनको जब उसने झेल लिया तो उसके अंदर जो स्ट्रेंथ पैदा हुई वो आई थिंक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. जैसे कहते हैं कि चाय की पत्ती का असली रंग जो है वो गर्म पानी में ही आता है, तो वो इसी तरह से बिकॉज बहुत सारी मुश्किलें आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी आती हैं. हो सकता है ये भी हमारे बिलीव्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आई हो, हमारी पर्सनैलिटीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आई हो, हमारी जो एक लाइफ को लेकर के या लाइफ क्या है, इसकी हकीकत क्या है, उसके बारे में जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं शायद वो बदल जाए, हम बहुत रियलिस्टिक हो जाए, हम बहुत काइंड हो जाए, बहुत जो है वो लोगों के लिए और हेल्पफुल हो जाए. सो आई थिंक दैट्स व्हाट वी हैव टू ऑब्जर्व अबाउट इट, और बस अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें. जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच कृष्णा फॉर ऑल दिस यूजफुल टॉक और इंफॉर्मेटिव सेशन. आपको आई विश यू ऑल द बेस्ट इन फ्यूचर एंडेवर्स एज वेल. थैंक यू वेरी मच कृष्णा. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू. एंड थैंक यू वेरी मच उमर जे कुरैशी बैक स्टेज. थैंक यू वेरी मच.